वीडियो में अक्सर डिस्कस करेंगे आर्मी में जो सिविलियन भर्तियों का ऐलान हुआ है उसके बारे में इसमें तकरीबन पचास से पचपन के करीब जॉब्स का ऐलान किया गया है इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने इन जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए तमाम चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे और जब आपने इसकी दरखास्त जमा करवा लेनी है तो आपने इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है वो भी आपको बताते हैं तो शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं सबसे पहले इसमें असिस्टेंट की जॉब है उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब है इसके लिए आपके बी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में यू की जॉब है इसके लिए आपके एफ ए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और टाइपिंग कोर्स होना चाहिए उसके बाद एल की जॉब है इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और टाइपिंग कोर्स होना चाहिए टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आपकी जॉब ज़रूर हो जाएगी मैं सुपरवाइजर की जॉब है इसके लिए मैटर क्वालिफिकेशन और इसके मतलक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लेबर स्किल्ड की जॉब है इसके लिए मिडल क्वालिफिकेशन और सिविल ड्राइवर के इसके लिए भी मडल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ड्राइवर के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और लेबर स्किल्ड के लिए आपके पास तकरीबन छः माह का तजर्बा होना चाहिए कुक यूनिट साइसर वेटर क्लास अटेंडेंट सेंट्री वर्कर रेंज चौकीदार नायब कासद इन तमाम जॉब्स के लिए आपके पास प्राइमरी की क्वालिफिकेशन हो और उसके बाद यहाँ पर नीचे उन्होंने जरूरी हदायत दी हुई है कि जब आपने दरखास्त जमा करवानी है तो कौन कौन सी चीजें साथ अटैच करनी है दरखास्त कैसे भेजनी है यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही के लिए दरखास्त दे सकता है इश्तहार शायद होने से पंद्रह दिन के बाद आप पंद्रह दिन के अंदर अंदर आप दरखास्त जमा करवा सकते हैं उसके बाद दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाएंगी दरखास्त को आपने अच्छी तरह से फिल करना है फॉर्म जो इसका है और आप ये जो तमाम चीज़ें ये तस्दीक शुदा होनी चाहिए मतलब अटेस्ट ज़रूर करवानी है उस वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर आपने एक और दो नंबर वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सौ रुपये का एक पोस्टल आर्डर अगर आपने चार और पाँच के लिए अप्लाई करना है तो एक सौ पचास का और अगर आपने नौ और पंद्रह के लिए की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो दो सौ पचास का पोस्टल आर्डर आपने एक तैयार करवाना है और ये आपने तैयार करवाना है बनाम कमांडेंट आर्टिलरी सेंटर अटक इसके नाम पर आपने ये पोस्टल आर्डर तैयार करवाना है उसके बाद यहाँ तमाम चीज़ें बताई हैं जो आपने अपनी दरखास्त के साथ अटैच करनी है इसके लिए आपकी जो तलीमी असना है वो डिप्लोमा कौमी शनाख्ती कार्ड करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका डोमिसाइल की फोटो कापी ये तमाम चीज़ें आपने अपनी दरखास्त के साथ भेजनी है यहाँ नीचे उन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है इसको आपने फिल करना है आपने इसको अच्छी तरह से फिल करना है अपनी अपना नाम वल्दीत मज़हब कौमियत अपना आई डी कार्ड नंबर तारीख पैदाइश और तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फिल कर लेना है गौर से आपने फॉर्म को पढ़ना और फिल करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए इसके लिए जो एज लिमिट है वो अठारह से तीस साल है और जो ज्यादा से ज्यादा है पैंतालीस साल है इस साल पैंतालीस साल की एज तक आप इस दरखास्त के लिए इसके लिए दरख्वा जमा करवा सकते हैं अब हम आपको बताते हैं जब आपने दरख्वास जमा करवा लेनी है तो फिर आपने इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है इस दरख्वास को जमा करवाने के बाद आपने इसके टेस्ट की तैयारी के लिए टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट पर जाना है टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर आकर आपने यहाँ नीचे आना है यहाँ पर क्लिक करना है जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सर्च का ऑप्शन आपके सामने आएगा जैसे अभी हमने पाक आर्मी सिविलियन की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पाक आर्मी के पास पेपर सिलेबस जॉब्स ये खुलकर आपके सामने आएंगे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पाक आर्मी के तमाम पास पेपर गैस पेपर पीडीएफ बुक्स तमाम चीज़ें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी तो आपको यहाँ से इसके तमाम पास पेपर मिल जाएंगे जो कि तैयारी के लिए बहुत साबित हो सकते हैं तो आप यहाँ से अपने इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट बेहतरीन वेबसाइट है किसी भी जॉब के टेस्ट की तैयारी के लिए या वैसे भी अभी आपने आपने किसी टेस्ट की तैयारी करनी है उसके लिए तो आप यहाँ से अपने टेस्ट की तैयारी करें और इस वेबसाइट से फायदा उठाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़